ये देखिए जो बता रहे थे ना हम। अच्छा ये क्या है? ये बकरा का, जैसे एक बकरा है ना, इसमें से अभी 10-10 किलो का है दोनों। अच्छा। तो ये देखिए एंटीना, ये जब नहीं रहेगा तो हम लेते नहीं है। अच्छा ये रहे, हाँ एकदम सामने में कटवाते हैं और सामने में इसको ले के हम आते हैं क्योंकि यही चीज हमको चाहिए। अच्छा ये कितने पीस है आपके पास? ये दो बकरा है। दो है। अच्छा, लोग इसको भी खाना पसंद करते हैं। हाँ इसको भी, जैसे कोई कोई स्कॉर्पियो सफारी से फॉर्चूनर से आते हैं इसको खाने के लिए। हाँ कि बकरा वाला एंटीना है क्या? अच्छा। तो ये तो ये और चुस्ता तो मैंने बड़ा बड़ा आदमी आके मांग के खाते हैं, तो जब बिक जाता है तो बोल देते सर तो दुइये में रहबे करता है। हाँ। अब तो है नहीं, अब कल आपको देंगे। अच्छा इसको साफ करते हैं पानी से? जैसे उसमें धो लेंगे और ये जाली में रख देंगे, पूरा पानी झड़का के उधर घी जो है सो कड़ाही में डाल के और पूरा इसको एकदम फ्राई करेंगे। एकदम फ्राई करिएगा पूरा, एकदम टोटल घी में ही काम होता है। देखिए यही आपको गलत थोड़ी बोलेंगे भैया हम लोग। ये देखिए दो बकरा आपको बताए थे ना। हाँ। ये देखिए सीना ठोक के काम करते हैं, ऐसा कोई मार्केट में कर सकता है क्या? नहीं। कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं दिखा सकता है, चोर बाजारी चलता है, लेकिन हम लोग सीना ठोक के काम करते हैं। इसका रेट क्या होता है? ये तो सर 1300 रुपए किलो के वेट से हम लोग बेचते हैं बना के प्योर देसी घी में। और देवघर का मशहूर मटन अच्छे है, ये अच्छे बहुत लोग से नहीं बेचता है, ये देसी घी में ही खाली बनता है। ये देखिए दो गो चुस्ता है, पानी डाल दिए इसको, अब अच्छा से इसको चलाएंगे हम। 20 साल से ये मटन अच्छे बना रहे हैं हम। 20 साल से बना जी रहे? जी। अच्छा यहाँ पे देखिए मटन साफ हो रहा है और उधर का जो है पूरा काम करने का आइडिया है, प्रक्रिया जहाँ पे देखिए सर करता है उधर उधर जो है। हाँ। हमारा दो दो आदमी प्याज कटिंग कर रहा है, इसलिए कि है प्याज 30-40 किलो 50 किलो प्याज रोज लग ही जाता है। 40-50 केजी? हाँ दो दो आदमी देखिए कटिंग कर रहा है, एक उधर भी कर रहा है, इधर भी कर रहा है। इधर देखिए मसाला कूटने का, लहसुन हो गया, अदरक हो गया, मसाला कूट के यूज करते हैं। हाँ सारा चीज। अच्छा टोटल एक दिन में लगभग कितना मटन बनता है जो इतना यूज सब करता है? बनता ही रहता है, आप चालू हो जाएगा ना 9:30 बजे से जो चालू करेंगे 11 बजे रात तक चलता ही रहेगा। हाँ सारा हमारा पेंसिल मसाला है, समझे ना, जो नंबर वन का गरम मसाला आता है ना हम खुद जाके लाते हैं, हम चख चख के देखते हैं कि कैसा है इसका टेस्ट। ये चीना मिट्टी का कढ़ाई है। हाँ। मटन अट्ठे इसी में बनता है, देख सकते हैं आप, प्योर चीना मिट्टी है, ये नहीं कि लोहा का कढ़ाई है, प्योर चीना मिट्टी का। चीना मिट्टी इसको बोलते हैं? हाँ चीना मिट्टी का कढ़ाई है ये, और इसी में लोग बोलता है हांडी मटन है, चंपारण मटन है। हाँ। वैसे उससे सुपर में ये आता है। अब हम इसमें जो है सो भैया घी डाल रहे हैं, देख सकते हैं पिघला के हम कितना जाएगा इसमें अभी? अभी जाएगा इसमें 2 किलो से ऊपर जाएगा। देख सकते हैं अब इसका खुशबू आ रहा होगा कढ़ाई में डालते ही, अभी आप देखता जाइएगा किस तरह का भीड़ हो जाएगा, पूरी कढ़ाई जो है जो तुरंत खाली हो जाएगा। अभी हम खड़ा छोकन में डालेंगे ये खड़ा गरम मसाला। अच्छा। और हमारा जितना भी मसाला है सब स्पेशल मसाला है, सब पेंसिल मसाला इसको बोला जाता है। हाँ अब इसका खुशबू देख सकते हैं कि ये चौक तक गूंजता होगा इसका। हाँ अब देखिए इसमें हम मटन डाल रहे हैं, डायरेक्ट मटन जाएगा। हाँ अब इसको ये इसमें फ्राई करेंगे हम, इसका पानी जितना भी है ना मटन का सारा इसमें जो है सो घी में एकदम फ्राई हो जाएगा। अब देख सकते हैं ये भी मटन अभी आया है, ये देखिए इसमें भी एंटीना है। हाँ देख सकते हैं ना। अच्छा जैसे ही ये खत्म हाँ, होगा हाँ, तो फिर दूसरा आ जाएगा। हाँ मतलब ये जब बनाने लगेगा। हाँ हमारा जो है सो स्पेशल भूचर खाना भी है। अच्छा जो कि खाली मेरा ही मटन वो कटिंग करके देता है, उसी में जो है सो लगा हुआ रहता है। अब हम इसमें प्याज डालेंगे भैया, कम से कम 40-45 मिनट इसको हम फ्राई कर लिए घी में, ये देख सकते हैं। देखिए अब 15 किलो प्याज इसमें हम डाल दिए। अब इसमें जो है सो हम नमक डालेंगे। अब हम भैया इसमें चुस्ता जो है ना, अच्छा अब हम इसमें देंगे क्योंकि इसको दाबना पड़ता है, थोड़ा सा मुंह बंद करना पड़ता है। ये देखिए अब हम इसको मुंह को बंद कर दिए।
ये कलेजी सब भी डालिएगा? अभी थोड़ा देर में डालेंगे, अभी नहीं डालेंगे। नहीं, वैसे इधर आपका प्याज गल रहा है और कस्टमर यहाँ पे रुके हुए और कई कस्टमर घूम के भी चले गए। कितना आप तो देख ही रहे, घूम के जा रहे हैं भैया, कितना देर में होगा? सब आएंगे, सबको टाइम दिया हुआ है, सब आएंगे। हाँ, मटन खाने के लिए जो है ना उत्सुक रहता आदमी की, जाके पहले जिसका किस्मत तेज रहा उसी का मिलता है। ये जैसे कुटा हुआ है हरी मिर्ची, कुटा हुआ अदरक है और कुटा हुआ लहसुन है। अब इसमें हम जो है सो पहले हरी मिर्ची देंगे। ये चला गया हरी मिर्ची। हाँ, ये सभी आप नहीं नहीं जितना ये तीखा होता है, लौंगी मिर्ची है तो उतने देना पड़ता है जितना आदमी खा सकता है। अब इसमें जो है अदरक डालेंगे, अब डालेंगे लहसुन। जी तो ये जो बचा रहे हैं ये सभी फिर दूसरा लॉट बनेगा उसमें जाएगा। हाँ, अभी और कुटाएगा, इतना में क्या होगा? और कुटाएगा। हाँ, कुटाते रहता है एक आदमी जो है, कटिंग में और प्याज कटिंग में और कूटने में एक आदमी दो आदमी उधर फिक्स रहता है एकदम बेस्ट। जितना छोकर में डाले मसाला हम, हाँ, घी के साथ साबुत, उतना हम इसको जो है ना कूट के भी डालेंगे। इसको कूट के डालिएगा। हाँ, लास्ट में उसका तैयारी कर रहे हैं हम। कंपनी का हल्दी है, हल्दी कंपनी का डालते हैं। हाँ, देख सकते हैं आप, ऑर्डिनरी नहीं डालते हैं। ये अंदाज बना हुआ कितना डाल? हाँ, ये अपने आप पता चल जाता है। चलिए अब हम इसमें जो है सो अपना पिसा हुआ जीरा ये डालने जा रहे हैं इसमें। हाँ, अब ये भैया ये देख सकते हैं मेरा धनिया पाउडर जो है पिसा हुआ खुद का है। जी जी, ये देखिए, हाँ देख सकते हैं आप, ये हमारा गोलकी जिसको काली मिर्च बोलते हैं, खुद का पिसाते हैं हम। और हम लाल मिर्च की जगह पे हम कश्मीरी लाल मिर्च यूज करते हैं। अब ये जा रहा है कश्मीरी लाल मिर्च। जी जी, अब जा डाल रहे कलेजी। हाँ, कलेजी डाल रहे हैं, इसको हम बाद में फ्राई करेंगे स्पेशल अलग से। वैसे मटन अभी बना नहीं, आप पहले आ गए खाने के? वीडियो देख करके आए हैं। अच्छा, मटन अट्ठे कैसा होता? बगल में ही ठहरे हैं, उनका लाव जब आए हैं तो आज इनका मटन अट्ठे खा करके जाया जाए। अच्छा, तो पहले खाए हैं? नहीं नहीं, पहली बार खाएंगे, टेस्ट करके लिए। हाँ, गरम मसाला है पिसा हुआ, देख सकते हैं जो अभी तैयार किए थे। अच्छा, फिर से घी डाल रहे हैं? मतलब पूरा मटन को जो है घी से डुबो देते हैं? बस ग्रेवी मेरा घी और प्याज का रहता जी। अब इसमें जो है तो थोड़ा काली मिर्च डालेंगे। अच्छा, काली मिर्च। अच्छा, इसको पलट लेते हैं बनने के बाद? हाँ, इसमें जैसे बनाए हैं उस कढ़ाई में नहीं रहने देते हैं, अलग कढ़ाई में कर देते हैं। अच्छा, इसमें चीना मिट्टी का थोड़ा काला भी हो जाता है इसमें। अच्छा, और इससे हमारा कलर जो है सो सारा अच्छा है, जैसा कलर है वैसा जैसे। हाँ, बस इसमें हमको लग रहा है कि यदि रात को खाएंगे तो रात को शायद कमल उमल ओढ़ते होंगे ना, वो फेंक देना पड़ेगा, पसीना चलेगा, गर्मी आएगा इसमें। गर्मी फूक देगा। हाँ जी बिल्कुल, खाने के बाद पता चल जाएगा इंसान को रात को ही कि नहीं सही में मटन खाए तो आज गर्मी, आज ताजगी भी आएगा हमारा मटन में। कस्टमर की डिमांड पे भी पीस डाल रहे हैं? हाँ, मतलब इसमें जैसे कोई नली खोज दिया, कोई सीना मांग दिया, कोई चाप मांग दिया, कोई मटन वाला मांग लिए, कोई प्योर हड्डी ही मांग लिए तो उनको देना पड़ता है। जैसे फर्स्ट में जो आ गए हैं उनको तो चॉइस से मिल जाता है जो जो खोजते हैं, अब थोड़ा देर के बाद आएंगे तो फिर तो ये बकरा तो एक ही दो ही रहता है इसमें। अच्छा, मटन आप खा लिए, कैसा लगा खाने? बढ़िया लगा, मजा आ गया खाने में। मजा आ गया। वैसे भैया आप यहाँ का ओनर हुए? जी। तो कितना पुराना आपका ये होटल है? 2017 से ये दुकान है, माँ भोजनालय। 2017 से आप चला रहे हैं? हाँ, बीच में कोरोना में जो बंद हुआ था। अच्छा, उस कारण बंद हो गया था। कैसे स्टार्ट किए थे ये मटन अट्ठे? मटन अट्ठे 2 केजी से शुरू हुआ था। हाँ। और कैसे जो कुक था वो बोला कि भैया आज हम अपने जगह का जहाँ हम लोग जैसे मटन बनाते हैं। हाँ। गांव में देवघर वाला डिश बनाते हैं, एक बार ट्राई कर। भैया जो बनाए आज? हाँ हाँ। अच्छा। तो वही 2 किलो शुरू हुआ था और आज यहाँ है। 60-70 किलो बनेगा? 60-70 केजी डेली का बन। हाँ हाँ हाँ, अभी तो आपके सामने देख रहे हैं, अभी इसके बाद वाला ट्रिप के लिए भी माल आया हुआ है। जो भी उतरा होगा तो कढ़ाई धुल धुल के जो फुर्सत मिले 5 मिनट नाश्ता उस्ता करने के बाद कुक फिर से वही काम में लग जाएंगे, फिर बनाना स्टार्ट करेंगे। हाँ हाँ। तो चलिए, यहाँ देखिए मटन अट्ठे बन के हो चुका है रेडी और प्लेट भी ये लग गया है। वैसे देखिए पूरा घी यहाँ पे तैर रहा है, जितना भी आपको यहाँ पे दिख रहा है सारा की सारा घी है।
और यहाँ पे सिर्फ घी से ही मटन बनाया जाता है, जैसे कि आप देखें पूरा, और पानी जो है एक बूंद भी यूज़ नहीं करते हैं। तो चलिए अब इसको हम टेस्ट करेंगे। और ये मटन जो है तौल के मिलता है 1300 रुपया केजी। आप 100 ग्राम खाना चाहते हैं, 50 ग्राम खाना चाहते हैं, 150-200 जितना खाना चाहते हैं उतना तौल के मिलेगा। और सिर्फ पीस तौला जाएगा, ये पीस जो है इसको तौला जाएगा। ग्रेवी आप अलग से जितना मन उतना लेके खा सकते हैं। और उसके बाद आपको क्या है, अगर चावल लेते तो एक प्लेट 30 रुपया का मिलता है, जिसके साथ आपको पापड़, उसके बाद सलाद ये मिलेगा, चटनी मिलेगा। और रोटी जो है 4 पीस 30 रुपया में आपको दिया जाएगा अलग से। तो चलिए इसको अब टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ग्रेवी लेंगे। ये देखिए ये आ गया ग्रेवी, और उसके बाद ये आएगा रोटी। ये आया ग्रेवी और रोटी। तो स्वाद इसमें काफ़ी गजब का है, मस्त स्वाद है। और घी का जो है स्वाद आपको एकदम निकल के आएगा कि हाँ, इसमें घी का यूज प्रॉपर किया गया है। उसके बाद गरम मसाला जैसे इलायची डाला गया, उसका फ्लेवर आ रहा है। चलिए अब चावल के साथ ग्रेवी टेस्ट करते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, हम पीस टेस्ट करेंगे। हमसे रुका नहीं जा रहा इतना बढ़िया ये मटन है। ये देखिए, देख रहे हैं काफ़ी अच्छे से ये मिल गया है। ले लेते हैं और ये अगर आप मटन लवर है तो यहाँ पे आके ज़रूर खाइए। चावल के साथ में और भी खुल के उसका स्वाद निकल रहा है। ये देखिए, शुक्रिया, आपको पीस दिखाते हैं। ये आया पीस, ये देख रहे हैं कितना अच्छे से घुला हुआ है। पूरा घी में इसको फ्राई कर दिया गया है और ऐसे आराम से इसको निकाल रहे हैं। देखिए आराम से निकाला, ये निकल गया। तो आपको दिख रहा होगा कितना बढ़िया से इसको पकाया गया है, और इसको पकाने में बहुत टाइम लग गया। तो चलिए, मस्त है मटन जो है पूरा घुल गया है एकदम आराम से। देखिए कितना घुला हुआ है, बच्चा भी यहाँ पे आराम से खा सकता है। ये देखिए कैसे टूट रहा है, देख रहे हैं, बच्चा भी एकदम आराम से खा सकता है। इसको ज़्यादा आपको चबाना नहीं पड़ेगा, तो मटन होना चाहिए तो ऐसा। तो हम क्या करेंगे, इसको चावल के साथ मिलाएंगे, इसको उसके बाद खाएंगे। बहुत मज़ेदार। अगर आप मटन अच्छे नहीं खाए हैं तो एक बार ज़रूर टेस्ट कीजिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए हम इस प्लेट को ख़त्म करते हैं, उससे पहले आपको यहाँ का एड्रेस बता देते हैं। यहाँ आने के लिए आपको आना पड़ेगा रांची। रांची में है ये हरमू चौक, हरमू चौक शर्मा लेन के जस्ट थोड़ा सा बगल में आइएगा तो ये माँ भोजनालय मिलेगा। उसे हम कोशिश करेंगे डिस्क्रिप्शन में यहाँ का गूगल लिंक दे देने का, तो वहाँ से आप आसानी से यहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो चलिए इसको जल्दी जल्दी खाते हैं, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।